दोस्तों, आज की ये वीडियो स्टीफन हॉकिंग के बारे में है। उनका जन्म 1942 में इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड नाम के एक शहर में हुआ था। वह एक प्रसिद्ध भौतिक और ब्रह्मांड वैज्ञानिक थे। हॉकिंस द्वारा लिखी गई किताब द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस टाइम की बेस्ट सेलर थी। ब्लैक होल्स को समझने में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हॉकिंस ने अपनी शारीरिक क्षमताओं को पीछे छोड़ते हुए ये साबित किया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। हाल ही में यानी 14 मार्च 2018 को उनका दुखद निधन हो गया। लेकिन अपनी मौत से पहले उन्होंने एलियन से मुलाकात और पृथ्वी के अंत जैसी कुछ डरावनी भविष्यवाणियाँ की। इन भविष्यवाणियों के बारे में जानने के लिए प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टीफन हॉकिंग्स द्वारा की गई दो भविष्यवाणियों के बारे में बताऊंगा। इससे पहले आप नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पहली भविष्यवाणी, कृत्रिम बुद्धि की वृद्धि यानी राइज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, नवंबर 2017 पोर्टुगल की एक टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में के द्वारा स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धि हमारे लिए बहुत ही अच्छी साबित हो सकती है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत बुरी भी चीज़ भी साबित हो सकती है। सकारात्मक के साथ इसके नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। उन्होंने अपना डर जाहिर करते हुए बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दिन इतना विकसित हो जाएगा कि ये इंसानों के दिमाग की सीमा को भी पीछे छोड़ देगा और एक दिन इंसानों की जगह लेने की कोशिश। इंसानों द्वारा बनाई गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दिन उनकी ही दुश्मन बन जाएगी। ये डर स्पेस एक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क ने भी जाहिर किया है। दूसरी भविष्यवाणी, दूसरे ग्रह पर बसेरा यानी प्लैनेट कॉलोनाइजेशन। उन्होंने बताया कि धरती की आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और रहने की जगह और पीने के पानी में अभाव आ रहा है। दूसरे ग्रह पर बस्ती बसाने के लिए अब का वक्त बिल्कुल सही है। इंसान अगले 10 साल में दूसरे ग्रह पर बस्ती बसाना शुरू कर देंगे, लेकिन इसके लिए सभी देशों को एकजुट होकर मिलकर काम करना होगा। स्टीफन एक ऐसी पहल के निर्देशक थे जिसमें एक ऐसे यान को बनाया जाए जो बहुत तेज़ी से उड़ेगा, बहुत तेज़ी से चलेगा और हमें दूसरे ग्रह पर और दूसरी तारामंडलों पर बहुत ही कम समय में पहुँचा देगा। उनके हिसाब से हम ऐसे यान से मंगल पर सिर्फ 1 घंटे में ही पहुंच जाएंगे, प्लूटो पर कुछ दिनों में पहुंच जाएंगे और पास के तारामंडल अल्फा सेंचुरी पर 20 साल में ही पहुंच जाएंगे। उन्होंने बताया कि इंसान 2025 तक मंगल पर रहना शुरू कर देगा। दोस्तों, आज जो भी जानकारी मैंने आपको आज दी, अगर वो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि ऐसी और रोचक वीडियोज़ आपको रोज़ मिल सकें।